कई दहाइयों से फलों के काश्तकारों को सुर्ख संतरे की पैदावार बढ़ाने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? शमसी ट्यूबवेलों ने इनमें क्या तब्दीलियां रोनमा की हैं? इस इंडस्ट्री में हमेशा टैलेंट का फर्क रहेगा। हम हकीकी टैलेंट को इसकी कौमियत की वजह से मुस्तरद नहीं करेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ लीगों में बहुत से गैर मुल्की खिलाड़ी हैं। पावर स्टेशन ने मुकामी लोगों का मयारी जिंदगी बेहतर बनाने में एक अहम किरदार अदा किया है, और मुझे भी कामयाबी हासिल करने का और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालने का मौका दिया। मैं कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के तरीके तलाश करूंगा, ताकि इसे माहौल दोस्त बनाया जा सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। आज हमारे स्टूडियो में एक मुआज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाई हैं, बीजिंग यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन स्टडीज़ की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चांग जामे साहिबा। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। क्वादर प्रो के मुताबिक पाकिस्तान की बलाई वादी में पैदा होने वाले संतरे अपने जायके की वजह से कई दुहाइयों से मशहूर हैं, लेकिन अब बाशी के मुनासिब निज़ाम की अदम दस्तयाबी की वजह से उनकी पैदावार और फरोख्त खातिर खा नहीं है। सी पैक के तहत शमसी दवानाई के मंसूबों की मदद से पाकिस्तान में ज़रई मसनूआत की काश्त को फ़रोग मिला है। तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। केपीके के ज़िला मालाकंड में एक छोटी सी वादी पालाई है, जो कई दहाइयों से मयारी माल्टे की पैदावार के लिए मशहूर है। पालाई के लाल गुदे वाले माल्टे अपनी मुनफरिद महक, जायके, रंग और साइज की बदौलत मशहूर हैं। पालाई का रहने वाले हूँ, 50 साल से ये काम कर रहा हूँ। ये बाग जो है ये मैंने 28 लाख का लिया है, नूरमावाला जी का बाग है, और ये इसमें ये तकरीबन 20 जरेब रकबे पर है, 20 जरेब का रकबा है, और ये जो हम बेचते हैं ये लोकल मार्केट को बेचते हैं, दरगाह बटखेला मलाकंड। हम 1970 से ये काम कर रहे हैं। इज्जत वाला चीज़ है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और पले से माल्टे ले जाते हैं। एक नाम पैदा हुआ है ना इसका, तो हमारा इज्जत भी इसमें है और कमाई भी इसमें है और हमारा मईशत भी यही है, तो इस वजह से हम माल्टे काश करते हैं। अगरचे वादी पालाई की जरखेज ज़मीन माल्टे खासतौर पर लाल गूदे वाले माल्टे के लिए मुनासिब है, लेकिन आपाशी के मुनासिब निज़ाम की अदम दस्तियाबी की वजह से लाल गूदे वाले माल्टे की पैदावार बदस्तूर महदूद है, जो आबो हवा से बहुत मुतासर होता है। रेड ब्लड जो है ना, ये फरवरी के आखिर में ये फूल बनते दरख्तों में, फिर ये मार्च और अप्रैल में दाना बनता है, और इसमें ये जो है ना अक्टूबर में फिर माल्टे में पानी बनना शुरू हो जाता है। तो अगर ये दो मौसमों में बारिश टाइम पर हो जाए ना, मई में, अप्रैल मई में और अक्टूबर नवंबर में, तो माल्टे का पैदावार बहुत ही अच्छा आता है। फिर उसमें पानी भी बहुत होता है और उसका साइज भी मोटा हो जाता है। अगर बारिशें कम हो तो ये इसका जो है ना फिर वो दाना छोटा रह जाता है। इतना तकरीबन 1-2 लाख बेग सारे इलाके में या 3 लाख ये छोटे छोटे मार्केट जो हैं उसको हम बेचते हैं, बड़े शहर को नहीं बेचते। ये माल्टा इतना नहीं है बड़े शहर का, ये लोकल इधर है, लोकल बेचते हैं। आबी वसाइल की कमी के मसले के हल के लिए फलों के मुकामी काश्तकारों ने 1980 की दहाई के अवाइल में लाल गुदे वाले माल्टे के दरख्तों को सैराब करने के लिए बिजली के ट्यूबवेल मुतारफ कराना शुरू किए, लेकिन उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। महंगी भी है और कभी होता है कभी नहीं होता है, तो उस वजह से बागात थोड़ा कम हो गए। हालिया बरसों में शमसी ट्यूबवेल फलों के काश्तकारों के लिए नई उम्मीद लाए हैं। सोलर सिस्टम की वजह से ज्यादा हो जाएंगे, लोगों में हौसला आ जाए, क्योंकि उसके बिल नहीं है, तो अगर प्री पानी हमें मिल जाए तो हम तो बहुत ज्यादा पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान में काबिले तजदीद तवानाई के हवाले से बड़ी सलाहियत है। शमसी तवानाई को अमल में लाना सबसे आसान है। आलमी बैंक की एक नई तहकीक में कहा गया है कि पाकिस्तान को अगले 10 सालों में पवन और शमसी तवानाई से मुंसलिक 24,000 मेगावाट इजाफी इस्तेदाद शामिल करने की जरूरत है, जिसमें शमसी तवानाई के तकरीबन 17,500 मेगावाट भी शामिल हैं। सालाना 1 अरब अमरीकी डॉलर तक की बिजली पैदा करने की लागत बचाई जा सकती है।
लाल गूदे वाले माल्टे के काश्तकार मुस्तकबिल के मुंतजिर हैं। तीजरे पैदावार मेरा ख्याल है सब चीज़ों से ज़्यादा है, गन्ने से, तंबाकू से, टमाटर प्याज से। मेरा ख्याल है अगर सही माल्टे का सही बाग हो ना, एक ड्रिप में तकरीबन 60-70 बूटे आ सकते हैं, और 60-70 बूटों का आमदन जो है ना तकरीबन 1 लाख रुपए वो आता है। तो सबसे तीजरे पैदावार इसका ज़्यादा है, इसलिए हम माल्टी को काश करता है। बाकी ये कि माल्टा जो है ना, ये ख़ास माल्टा इधर का रेड ब्लड है, रेड ब्लड का पैदावार ज़्यादा हो सकता है अगर हुकूमत थोड़ा सा वो करे ना ताउन ज़मींदारों के साथ, तो ये पाकिस्तान को भी और बाहर को भी ये सप्लाई हो सकता है अगर थोड़ा सा मेहनत की जाए। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं पाकिस्तान चाइना फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के सीनियर कंसल्टेंट और सिंजियांग में जो हाओयन कंपनी के चेयरमैन जनाब मा शाओयन साहब। डीजल बिजली के मुकाबले में शमसी तवानाई एक साफ तवानाई का जरिया है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें सिर्फ एक वक्त की सरमायाकारी दरकार होती है और इसके बाद किसी भी किस्म की सरमायाकारी की जरूरत नहीं, और ये मुकामी माहौल में आलूदगी नहीं पैदा करता। इस बात पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक और पाकिस्तानी माहिर भी मौजूद हैं, जनाब जावेद इकबाल आफरीदी साहब, जो के पाकिस्तान सन लाइफ कोला को लिमिटेड के CEO हैं। जी जनाब, क्या आप पलाई वादी के संगतरे के बारे में कुछ जानते हैं, और आपके ख्याल में शमसी दवानाई से चलने वाले आबपाशी के निज़ाम मकामी किसानों को कौन सी सहूलियात फराहम कर सकते हैं? इंशाल्लाह अभी सोलर, शमसी तवानाई सोलर टेक्नोलॉजी की मदद से अभी ना हम सिर्फ अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं बल्कि उसकी क्वालिटी को भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक नहायत ही हमारे किसान भाइयों के लिए एक नहायत ही मुफीद और उनसे भरपूर फायदा उठा सकते हैं, अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं और अपनी ज़रई मसनूआत की जो है क्वालिटी उसको बेहतर बना सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप बाशी के अलावा आपके ख्याल में शमसी दवानाई की टेक्नोलॉजी और कौन कौन से मैदानों में इस्तेमाल की जा सकती है? जी यकीनन एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा बिजनेस इसको जो है ना इंडस्ट्री सेक्टर जो है ना इसमें अभी आ रहा है, इसमें रेजिडेंशियल सेक्टर जो है ना वो अभी आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अभी इसमें नेट मीटरिंग का एक सिस्टम उसमें दिया हुआ है अपने सारिफिन को, उसमें ये है कि आप अपने इस्तेमाल में भी उसको ला सकते हो और उससे इजाफी जो आपकी बिजली है वो आप गवर्नमेंट ग्रेड को भी बेच सकते हो। तो इस एक एकदम की वजह से अभी बहुत ज्यादा सारिफीन इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, चाहे वो रेजिडेंशियल सेक्टर हो गया, उसमें आ रहे हैं और इसमें जो है ना रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इसमें तो एक ये है कि आपकी जो है ना कॉस्ट, आपकी जो एनर्जी कॉस्ट है उसको आप कंट्रोल कर लेते हो, आप बल्कि आपका वो कॉस्ट दिन ब दिन कम होता जाता है। और दूसरी ये है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो इंशाल्लाह इसमें जो है ना अभी पहले ये था कि उसकी कॉस्ट की वजह से काफी ज्यादा लोग इसमें नहीं आ रहे थे, अभी वो कॉस्ट भी कंट्रोल में है, तो ये दो सेक्टर इसमें इसमें बहुत काम हो सकता है। आलमी ई स्पोर्ट्स के मैदान में इस वक्त चीन, अमेरिका और जनूबी कोरिया सरे फहरिस्त हैं। फिलहाल पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स को एक बाज़ाबिदा खेल करार देने पर गौर कर रहा है। तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि ई स्पोर्ट्स को मुल्क में एक बाकायदा खेल का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने मार्च 2021 में इस्लामाबाद में कौमी सतह के ई स्पोर्ट्स के एक मुकाबले का ऐलान किया है। ई स्पोर्ट्स को एशियन खेलों की दुनिया में मुतअद्दद बार शामिल किया गया। ई स्पोर्ट्स उभरते हुए खेल हैं और एक मुतहर्रिक और तखयलाती सनत बन चुके हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता खेलों की सनत के मरकजी धारे में शामिल होते जा रहे हैं और दुनिया भर के नौजवानों की एक मुश्तरक जुबान बन गए हैं। हाँ, मैं रोजाना घंटों खेलता हूँ। मैं खेल देखने के लिए मौके पर गई और माहौल बहुत अच्छा था। मैं ऑनर ऑफ किंग्स पर बहुत ज्यादा रकम खर्च करता हूँ। ऑनलाइन गेम्स के जरिए मैं एक दोस्त से मिला जिससे बाद में मेरी शादी हो गई। जनूबी कोरिया, चीन और शुमाली अमेरिका में
ई स्पोर्ट्स की मंडियों में बतदरीज पुख्तगी के साथ ई स्पोर्ट्स ने तरक्की के सुनहरे दौर का आगाज किया। 2017 तक चीन में ई स्पोर्ट्स की पैदावारी मालियत 60 अरब युआन से ज्यादा हो चुकी है और अब तक इसे 140 बिलियन युआन से तजावुज कर जाना चाहिए। ई स्पोर्ट्स ने चीन में लगभग 485 मिलियन सार्फीन बनाए और दिलचस्प बात यह है कि मर्दों से खवातीन का तनासुब 6:4 है। रिवायती खेलों के बरक्स जिनमें मर्दों का गलबा है, ई स्पोर्ट्स सिर्फ से कता नजर बुनियादी तौर पर आलमगीर खेल हैं। ई खेलों का दायरा वसी तर हो रहा है। इनफरादी तौर पर ई स्पोर्ट्स सिर्फ गेम नहीं है बल्कि रोजगार का एक जरिया है। कौमी सतह पर ई स्पोर्ट्स का मतलब न सिर्फ सोने का तमगा है बल्कि ऐसी सनत है जिससे बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा हों। गेम इंडस्ट्री में आर्ट, तहकीक और तरक्की, मंसूबा बंदी और दीगर काम शामिल हैं। कम्युनिकेशन की सनत में नेटवर्क प्लेटफॉर्म जैसे टीवी स्टेशंस, बराह रास्त नशरियात और रिप्ले नशरियात शामिल होती हैं। इसने बहुत सी सनतों को जन्म दिया है। इस वक्त बहुत सी ऑफलाइन इंडस्ट्रीज ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से चल रही है, जैसे द लीग ऑफ लेजेंड्स क्लब का अपना स्टेडियम है जो एक मुकामी निशान बन गया है और देखने वालों की बड़ी तादाद को रागिब करता है। ई स्पोर्ट्स की तेज रफ्तार तरक्की ने ई स्पोर्ट्स टैलेंट की मांग में जबरदस्त इजाफा किया है। नाकाफी टैलेंट ट्रेनिंग सिस्टम, इंडस्ट्री में टैलेंट इकट्ठा करने की कमी और टैलेंट की कमी ई स्पोर्ट्स की उभरती हुई सनत की तरक्की की राह में रुकावट बन गई है। इंडस्ट्रियल इकोलॉजी यानी सनती माहौल के नुक्ते नजर से पूरी सनत में अगर खेल की सनत को शामिल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि टैलेंट का फर्क 5 लाख से ज्यादा हो सकता है। 2016 में चीन की वजारत तालीम ने ई स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट को कॉलेजों के मेजर मजामीन की फहरिस्त में शामिल किया, जिसकी वजह से ई स्पोर्ट्स टैलेंट की तरबियत में तेजी आई। जब किसी मंसूबे में सकाफती या कारोबारी रुझान के साथ साथ तरक्की हो तो हुकूमत इस सनत की मुस्तहकम तरक्की को फरोग देने के लिए बहुत सी पॉलिसियां मुतारिफ कराएगी और तालीम से मुतल्लिक कुछ उसूलों को शामिल करेगी। पाकिस्तान के कुछ ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी आलमी दर्जा बंदी में शानदार दर्जे पर हैं। क्या ये खिलाड़ी चीन की ई स्पोर्ट्स मार्केट में दाखिल हो सकते हैं? इस इंडस्ट्री में हमेशा टैलेंट का फर्क रहेगा। हम हकीकी टैलेंट को इसकी कौमियत की वजह से मुस्तरद नहीं करेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ लीगों में बहुत से गैर मुल्की खिलाड़ी हैं। चीन ई स्पोर्ट्स का एक बड़ा मुल्क है, आपके ख्याल में पाकिस्तान चीन के तजर्बे से क्या सीख सकता है? अच्छा, तो ये खुशी की बात है, आजकल चीन वो तो अमेरिका और जनूबी कोरिया के बाद वो इस मैदान में एक उभरता हुआ सितारा बन गया। लेकिन तो चीन के लिए इस मैदान यानी जो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स की तरक्की का रास्ता है वो हम बार नहीं था। हम जानते हैं कि सन 2003 में वो एक खेलों में एक बाकायदा तौर पर स्पोर्ट्स बन गया, लेकिन एक साल बाद इस पर सख्त पाबंदी हुई। फिर 4-5 साल की तैयारी के बाद सन 2008 वो तो एक मौका आया, क्योंकि तो इस सनत बनाने के लिए एक ढांचा पका हो गया उस वक्त। इसलिए तो 3 मैदान में वो दावन करके ये खेल यानी ये खेल ई स्पोर्ट्स आगे बढ़ाने लगे, यानी तफसीलात की तसनीफ और फिर खेल के मुकाबले की क्यादत और आखिरकार कफालत की हिमायत। ये तीनों एक साथ खास तौर पर बड़े बड़े शहरों में ई स्पोर्ट्स की तरक्की हो गई। और पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यही है, पाकिस्तान का ऐसा मुल्क है जिसमें वो तो नौजवानों की अक्सरियत है, क्योंकि ये खास तौर पर नौजवानों का एक खेल है। लेकिन इस पर तवज्जो होनी चाहिए, माली मदद और वक्त और इसके साथ तजरीबात की सरमायाकारी बहुत ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान इस मैदान में बढ़ना चाहता है तो पहले बड़े बड़े शहरों में कोशिश करें। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं बीजिंग इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सरबराह जनाब लियोचन साहिब। जी लियो साहब, पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स को फ़रोग देते वक्त कौन से अमली फैक्टर्स पर तवज्जो देने की ज़रूरत है?
ई स्पोर्ट्स एक इंटरनेट प्रोडक्ट है जिसमें तेज रफ्तार तरक्की और वसी कवरेज है। अब भी इस पर तहकीक जारी है। चूंकि ज्यादातर खिलाड़ी जवान होते हैं, लिहाजा हमें इनकी मुस्बत रहनुमाई जरूर करनी होगी। हुकूमत की तरफ से ये तजवीज है कि इस मंसूबे का साइंसी अंदाज में मुताला किया जाए और मुतलका पॉलिसियां और तशहीर की वजाहत की जाए। ई स्पोर्ट्स के मुतअद्दिद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बैरून मुल्क जाने के बाद ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल की हैं, तो आपके ख्याल में अगर ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को एक साजगार माहौल फ्राहम करना चाहता है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मुतलका पॉलिसी की हिमायत होनी चाहिए। दूसरा, मेरे ख्याल में मुतलका इंटरनेट कंपनियों की माली हौसला अफजाई होनी चाहिए, चूंकि इंटरनेट कंपनियां और ज्यादा अच्छे गेम प्रोजेक्ट्स मार्केट में दाखिल होते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नौजवान इसमें दिलचस्पी लेंगे और सनत में शामिल होंगे और इसी के मुताबिक इनकी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। अगर इन खेलों से लुत्फंदोज होने और तफरी में बेहतरी आती है तो हाजरीन और खिलाड़ियों में भी इजाफा होगा। इसके अलावा मजीद बाकायदा इवेंट भी मुतारिफ करवाए जा सकते हैं। इस वक्त ई स्पोर्ट्स के चंद सखर की मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमेशा हक और सच का साथ देने के लिए आप तशरीफ लाए। हाँ, सबसे पहले मैं जो बात करना चाहूंगा, जो कल हमने सखर हाई कोर्ट सखर बेंच में हाई कोर्ट की जस्टिस आफताब गोरड़ साहब की जो हमने कमेंट्स कल सुने, उससे सिंध हुकूमत का तर्ज हुक्मरानी सामने आ जाता है। सिंध हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी क्या है कि जैसे कि रियासत हो इनकी, इनके ये वजीर आला नहीं या जमहूरियत नहीं, यहाँ बादशाहत हो कि जो उस खिलाफ बात करे उसका सर कलम कर दो, जो मुखालफत करे उसको दफन कर दो। और जो कल जो जुमले कहे गए, मैं कहना चाहता हूँ इससे एक नया इनका तर्ज हुकूमत सामने आया। इसके ऊपर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, सोमोटो लेना चाहिए और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस साहब को भी सोमोटो लेना चाहिए कि यहाँ नया ही निज़ाम है कि अगर कोई साफ ही बात करे उनके खिलाफ। अजीज़ मेमन अगर बता दे कि 200 रुपये दे के ट्रेन में लोग लाए गए तो उसको कत्ल कर दो। अजय लालवानी अगर आपको बेनकाब करे रियासत सखर के बादशाहों को, एक रियासतें बनाई हुई अपनी अपनी ठेके में जिले लिए हुए हैं, अफसर भी मेरा, डीसी भी मेरा, एसपी भी मेरा, इंजीनियर भी मेरा, फंड भी मेरा, 600 अरब भी मेरे 13 साल के अंदर, और कैसे जरूरत की थी साफी ने। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में साफियों पर इतने केसेस नहीं बने होंगे जितने केसेस सखर में हमने देखा कि साफियों के खिलाफ बने। और उसके बाद एक अपोजिशन लीडर, ये सिंध हुकूमत की तर्ज हुकूमत, अपोजिशन लीडर अगर आपके खिलाफ बात करे अपोजिशन लीडर को भी हमला करा दो, कातलाना हमला करा दो, जेल में डलवा दो। और उसके बाद अगर कोई जज जिसको दुख हो सिंध के बच्चों का, सिंध के लोगों का, जिनको आवारा कुत्ते जिनको खा रहे थे, जिन्हें काट रहे थे, जिनके घर उजाड़ रहे थे, जिनके बच्चे बिलक बिलक कर उनकी गोदों में मर रहे थे, क्यों मर रहे थे? एक तो कुत्तों की बोतात, लेकिन ये मैं कहता हूँ लाखों कुत्ते जो फिर रहे हैं इसको मारने के लिए करोड़ों रुपए ये लोग खा चुके होंगे। माजरत के साथ मैं किसी को नहीं कहता, इन कुत्तों को मारने के लिए जो जहरीली खुराक थी वो दूसरे वाले बिल्ले खा गए जो मिर्च बेस पे उसके कुर्सी के उस तरफ बैठे होते थे, सरकारी बिल्ले। कुत्तों को मारने की खुराक उसके पैसे ये अफसरान ने बांट के आपस में हजम कर लिया और कुत्ते जो थे, जो जिम्मेदारी होती थी, कुत्ता मार मुहिम शुरू नहीं हो सकी। और उसके बाद इतनी तादाद बढ़ गई उसको वैक्सीन नहीं दी गई। मुझे याद है सबसे पहले जब लड़काना में सिकंदर अबड़ो एक बच्चा था जो कमिश्नर ऑफिस में अपनी माँ की गोद में मर रहा था तड़प के, ऐसे मैंने 14-15 केसेस अपनी आंखों से देखे। जब इनको तो रहम आया नहीं, इनको रहम आता है सिंध के हुक्मरानों को कुत्तों पे, कुत्ते नहीं मरने चाहिए। एनिमल राइट्स, एनिमल हेल्थ, ह्यूमन राइट्स कहाँ गए? बच्चों के राइट्स कहाँ गए? इंसानों के राइट्स कहाँ गए? हमारे राइट्स कहाँ गए?
इनको तो ख्याल नहीं आया, बच्चे मरते हैं मरने दो, लोग मरते हैं मरने दो, वैक्सीन नहीं है ना ना है। लेकिन जब एक जज साहब को ख्याल आता है, जज साहब ऑर्डर करते हैं, दो एमपीएस को मुअत्तल करते हैं, मुअत्तल कर दिया था, हटा तो नहीं दिया था, लेकिन तूफान आ गया। जैसे वज़ीर आला के तर्जुमान ने कहा कि जी हमें हमारे केस सीएम ने ख़त लिख दिया एडवोकेट जनरल के थ्रू, सिर्फ गवर्नमेंट ने कि इस जज के सामने सिर्फ हुकूमत के केसेस ना चलाए जाए। मतलब जो ये कैसी हठधर्मी है कि जो आपके सखर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीमा आदिल शेख अब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने अजय लालवानी के अहल खाना से ताज़ियत की, जिसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन। नाज़रीन, हाल ही में एक पाकिस्तानी इंजीनियर मुनीब जो साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं, वहीं पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने की तरफ से सीपैक के बेहतरीन पाकिस्तानी मुलाजिम का अवार्ड दिया गया है। आइए मिलकर मुनीब की कहानी सुनिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कंपनी। ये अवार्ड मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है और मुझे मजीद मेहनत जारी रखने की तरगीब देता है। मुनीब साहिवाल कोल पावर प्लांट में काम करते हैं, जो कि ख्वानिंग शंदोंग पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और शंदोंग रवई ग्रुप ने मुश्तरका सरमायाकारी से तामीर किया। ये तवानाई का पहला बड़ा मंसूबा है जो सीपैक के तहत मुकम्मल हुआ है। चूंकि इसको 2017 में अमल में लाया गया था, पावर स्टेशन ने पाकिस्तान में बिजली के एक चौथाई शार्टफॉल और पाकिस्तान में कौमी बिजली की फराहमी के निजाम में अहम किरदार अदा किया है। 2020 तक इसने 1303 दिन महफूज ऑपरेशन के साथ 6.542 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा की, जो पाकिस्तान में योमिया बिजली की औसतन खपत का 10% हिस्सा है। मैं साहिवाल से ज्यादा दूर नहीं रहता। ये मंसूबा 2015 में शुरू हुआ था और मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया था। बाद में जैसे ही मैंने इश्तेहार देखा, मैंने नौकरी के लिए दरखास्त दी और पहले बैच में मुंतखब हो गया। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना मेरे लिए सुनहरी मौका था। ये सीखने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। मुनीब बिजली घर में काम करने वाले पाकिस्तानी कॉलेज से फारिग तहसील अफराद के पहले बैच में शामिल हैं। 2015 में यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होने के बाद मुनीब को 9 माह की खसूसी तकनीकी तरबियत के लिए क्वानिंग दाचू पावर प्लांट भेजा गया था। इस तजर्बे ने इन पर बहुत गहरा असर छोड़ा। लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम हम ना सिर्फ क्लास में टेक्नोलॉजी के असूल और जवाबित के मुतालिक पढ़ते हैं, बल्कि मुख्तलिफ ओहदों पर उस्ताद की पैरवी भी करते हैं। मैंने तरबियत से जो महारत सीखी है, इसने मेरे बाद के काम के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी है। जदीद सिस्टम से लैस सामान, जदीद टेक्नोलॉजी का तसव्वुर, माहौलियाती तहफ्फुज़ का तसव्वुर और मौसर पैदावारी अमल मौजूद हैं। चीन के बिजली घरों के मौसर ऑपरेशन ने मुझे बेदार किया और मेरे एतमाद को तकवीयत बख्शी है। पावर स्टेशन में काम शुरू होने के बाद मुनीब बाज़ाब्ता तौर पर डीसल्फराइजेशन और डस्ट रिमूवल असिस्टेंट इंजीनियर बन गए। हर सुबह डीसल्फराइजेशन और डस्ट रिमूवल के ऑपरेशन सिस्टम और मसाइल की बरवक्त जांच के लिए वो वक्त पर पहुंचे हैं। उम्दा कारकर्दगी की वजह से 2019 में मुनीब ने पावर स्टेशन के चीफ शिफ्ट इंचार्ज इंजीनियर की हैसियत से खिदमत अंजाम शुरू की। नथिंग इज इजी इन लाइफ। जिंदगी में कुछ आसान नहीं, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारे सीनियर मेहनती साथियों की मदद से मैं यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मसाइल से निमटने के लिए हर रोज कोई नया और जदीद तरीका सीखता हूँ। पावर स्टेशन में काम करने के बाद मैं बहुत तेजी से बड़ा हुआ हूँ। हर मुकाम लोगों को तरबियत देता है। काम से मुझे कुछ हासिल होने का एहसास होता है। मैं हमेशा सख्त मेहनत जारी रखने का ख्वाहा हूँ। मुनीब ने कहा कि पावर स्टेशन की तकमील और उसके काम शुरू करने से हालिया बरसों में घरेलू बिजली की खपत में बहुत बेहतरी आई है और इसके जोग्राफियाई मोहल्ले वकू से रोजगार का मसला भी हल हुआ है। लाइज इन द रीजन ऑफ लाहौर। पंजाब के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद है और साहिवाल इनके बीच में है। इसी तरह ये खिता सनती मरकज है, लिहाजा यकीनी तौर पर बिजली के बोझ का मरकज है। इस मंसूबे से मुकामी लोगों को रोजगार के मौके मुयस्सर आए। ज्यादातर इंजीनियर, इंतजामी अमला और कारकुन करीबी इलाकों से हैं। इस मंसूबे से लोगों का मयार जिंदगी तब्दील हो रहा है। हम देख सकते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कोल पावर साफ होती है और पैदा शुदा तवानाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचाया जा सकता है, जो दूसरी सूरत में ट्रांसमिशन लाइनों में जाया हो जाएगा।
वबा की रोकथाम और कंट्रोल के दौरान पावर स्टेशन ने क्लोज ऑफ मैनेजमेंट नाफिज किया। चूंकि यहां अमला बहुत कम था, इसलिए मुनीब ने यहां रहने का फैसला किया। खास मुद्दत में बिजली घर के मुस्तहकम ऑपरेशन को यकीनी बनाना बहुत जरूरी है। अस्पताल का काम और फैक्ट्रियों की बहाली बिजली की फरहमी से अलग नहीं हो सकती है। चीनी साथियों के लिए गैर मुल्की मुल्क में अपनी नौकरी पर रहना ज्यादा मुश्किल होता है। हम सब उम्मीद करते हैं कि वबा पर काबू पाने की खातिर ताकत और एतमाद देने के लिए मिलकर काम करेंगे। मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल, एक दूसरे से फासला बरकरार रखना, पावर प्लांट के दाखिले और अखराज को महदूद करना वगैरह बुनियादी इकदाम थे। इसी वजह से हमारी साइट आज तक कोरोना फ्री है और हमारे प्रोजेक्ट के लोगों में से कोई भी मस्बत केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मुनीब ने कहा कि हालिया बरसों में सी पैक की तामीर में मुसलसल पेशरफ्त के साथ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में तेजी से तरक्की की और बिजली की तलब भी बढ़ी है। बिजली की फराहमी की जमानत बहुत अहम है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पावर स्टेशन ने मुकामी लोगों का मयार जिंदगी बेहतर बनाने में एक अहम किरदार अदा किया है और मुझे भी कामयाबी हासिल करने का और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालने का मौका दिया। मैं कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के तरीके तलाश करूंगा ताकि इसे माहौल दोस्त बनाया जा सके। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं बीजिंग में खनेरी इंटरनेशनल स्कूल के हेड ऑफ डिजाइन डिपार्टमेंट डॉक्टर साजिद खुर्शीद साहब। साजिद साहब, सबसे पहले आप जरा साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट की अहमियत के बारे में कुछ बताइए। पाकिस्तान का ये पहला कोल पावर जो प्लांट है लगाया गया है, जिसमें टोटल जो है 1320 मेगावाट बिजली, जो एक खासी मकदार में है, उससे हासिल की जा रही है। और उसके मेन उसमें जो फीचर्स शामिल हैं ये कि उसके साथ एक रेल लाइन बनाई जाएगी साइट पे, जो प्लांट तक मौजूद होगी और उसको वहाँ तक यूसुफ वाला विलेज से लेकर गांव से एक साइड लाइन जो है बनाई जाएगी जो उस प्लांट तक लेके जाएगी। इसी तरह बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रॉब्लम्स है उस एरिया की खास तौर पे उसको फुलफिल करेंगे ये। और इससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 48 बिलियन रुपीज़ जो है वो मुल्क को हासिल होंगे और उससे टैक्स रेवेन्यूज में इजाफा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत आइंदा और खुश आइंदा है बात है कि पाकिस्तानी कौम जो है, पाकिस्तानी लोग जो हैं और चाइनीज से मिल के हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। मैं इस मामले में बहुत बेहतर और बहुत खुशी महसूस करता हूँ। आपके ख्याल में दोनों ममालिक के दरमियान जो टैलेंट एक्सचेंज के सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा करना है तो बेहतर होगा, लेकिन वो एक तरीका है, यानी जो मुख्तलिफ सूबों और खीदे के आवाम है या लोग हैं वो तो अपनी खसूसियत और खूबियों के मुताबिक वो अपना तलब के बारे में वो सीखेंगे। और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए वो आज यानी फिलहाल की दुनिया के सामने उनके लिए सबसे अहम बात यही है अपने उफक और जहन को पहले बड़े पैमाने के तहत वो सवाल सोचे और फिर अपनी तरक्की के रास्ते चुने। ख़ास तौर पर वो अपने मुल्क से बाहर देखें और दूसरे से सीखने के दौरान न सिर्फ अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझेंगे बल्कि सारी दुनिया को तो बेहतर समझेंगे। नाज़रीन, रवान साल चीन और पाकिस्तान के दरमियान सफारती तालुकात के क़याम की 17वीं सालगिरह मनाई जा रही है। हम आप तमाम पाकिस्तानी दोस्तों से दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपके पास चीन पाक तालुकात या दोस्ती के बारे में कोई कहानियां या तस्वीर हैं तो ज़रूर इस ईमेल के ज़रिए हमसे राबिता करें। बहुत शुक्रिया। पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इतवार के रोज़ शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी मेज़बान नसरीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।